यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी जय जगन्नाथ जय जलदेवा
अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथाश्रितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनालयिता श्रीविशाखाश्रितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पश्चात देशदारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मण्येधर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्येधर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुपनुपेते धर्मकं शरणं गतः। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मण्येधर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। ब्रूहि कृपया कहे योगेश्वर समस्त योग शक्तियों के स्वामी कृष्णे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मण्ये परम सत्य धर्म वर्मणि रक्षक स्वाम अपना काष्ठाम धाम अधुना इस समय उपेते चले गए धर्म कम किसकी शरण में गया। क्योंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः एव कृपया करके हमें बताएं कि आप अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तात्पर्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद का, धर्म मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का दिव्य वाणी स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। प्रभुपाद का 2 अगस्त 1972 के लेक्चर में प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक के ऊपर बहुत अच्छा विस्तृत वर्णन किया है। प्रभुपाद की बहुत खास विशेषता कि वो किसी भी कठिन चीज़ों को इतना सरल करके हम तक दे सकते हैं कि हम उसे बहुत आसानी से समझ पाते हैं। तो जब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था, मैंने कई बार ये श्लोक पढ़े हैं, पर कल जब मैं इस श्लोक को पढ़ रहा था मुझे एक नया एंगल, कुछ एक नया अर्थ समझ में आया प्रभुपाद की उसी लेक्चर से। तो हम देख सकते हैं कि जितनी बार हम लोग प्रभुपाद के लेक्चर्स को और इन भागवत के श्लोकों को पढ़ते हैं
तो ही में और गहराई समझ में आती है और ज़्यादा अच्छे से ये श्लोक समझ में आती है हमें। तो यहाँ पे जैसे कहा गया कुछ जहाँ नैमिषारण्य के ऋषि इन सिद्धांतों के बारे में पूछ रहे हैं, क्या है? पहला चीज़, धर्म स्वयं भगवान के द्वारा निर्धारित है। तो यहाँ पर धर्म के बारे में कहा है, जो कि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए चले गए। तो जब यहाँ धर्म की बात की गई तो पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि धर्म है क्या, भगवान द्वारा धर्म स्थापित किया जाता है। तो इस और यहाँ प्रभुपाद बहुत अच्छे से पहले यह समझा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि भगवान अपने धाम चले गए, तो यहाँ पे पहले तो यह समझना ज़रूरी है कि भगवान भी एक व्यक्तित्व है। जैसे कई लोग भगवान के रूप को मानते नहीं है, तो भगवान प्रभुपाद यहाँ क्लियर समझा रहे हैं कि भगवान का एक रूप भी एक व्यक्तित्व है, वो कोई ऐसा निराकार नहीं है। तो भगवान का एक रूप है, जैसे हम जैसे लोग हम सब अपना एक घर होता है, जहाँ रहते हैं हमारा घर होता है, अपना घर बोलते हैं हम। अपना कोई कार्य करने बाहर निकलते हैं, कार्य पूर्ण करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान अपने धाम से यहाँ किसी कार्य के लिए आते हैं, अपना कार्य पूर्ण करते हैं और वह अपने निज धाम में अपने धाम में वापस चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि समाप्त कर चुका हो कृष्ण यहाँ पे से अपना कार्य पूर्ण करके चले गए, मतलब अब कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं रहा, ऐसा नहीं है। भगवान का अस्तित्व है और वह अपने धाम से यहाँ किसी कार्य की पूर्ति के लिए आते हैं और फिर अपना कार्य पूर्ण करने के बाद वापस अपने धाम में जाते हैं। तो यहाँ पे इसी बताया कि कृष्ण जैसे कृष्ण के एक दिन ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण केवल एक बार आते हैं और कुछ लाखों वर्षों के बाद फिर से अपने मतलब कुछ समय अपनी लीलाएं करते हैं और फिर अपने धाम चले जाते हैं। भगवान का स्थान है गोलोक वृंदावन, तो भगवान वहां से आते हैं, अपना एक कार्य यहां पूर्ण करते हैं और फिर अपने धाम चले जाते हैं। तो यहां पे धर्म यह समझने की ज़रूरत है कि धर्म क्या है। कृष्ण को ही हम धर्म मान सकते हैं या फिर कृष्ण की भावनामृत में जो हमें अग्रसर करे, जो भी भावना हमें कृष्ण के भावनामृत में अग्रसर करे, कृष्ण की भक्ति में सहयोग करे, उसे हम धर्म कह सकते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके अलावा जो दूसरे धर्म होते हैं उसे दिखावटी धर्म कहते हैं, मतलब जो हमें कृष्ण की ओर नहीं ले जा रहा है, वो तथाकथित जो भी वस्तु है तो वो धर्म नहीं है। वो धर्म प्रोजित कैतव धर्म बता रहे हैं। तो हम अपने मन से कोई धर्म नहीं बना सकते हैं, तो धर्म कौन बनाता है, किसके द्वारा स्थापित होता है? भगवान ही धर्म को स्थापित करते हैं, भगवान ही द्वारा धर्म जो है वो स्थापित होता है, वे स्वामी हैं हर चीज़ के। तो यहाँ पे देखा गया है कि जैसे योग शक्तियों की बात कही, योगेश्वर कृष्ण बोला गया है, तो इस शब्द से ये बताया जा रहा है कि योगेश्वर मतलब भगवान जो है वो सभी छोटी मोटी या किसी भी चीज़ सबके स्वामी वही है, सभी उन्हीं से उद्गम हो रहा है। तो हो सकता है संसार में कुछ व्यक्ति हो जो थोड़ा बहुत चमत्कार दिखा देते हों या योग शक्ति दिखा देते हों, कभी कोई भभूत निकाल देता है, कभी कोई सोने की चेन निकाल देता है, छोटी मोटी योग शक्तियाँ लोगों में हो सकती हैं, पर सभी प्रकार की योग शक्तियाँ जो है वो कृष्ण से आती है और वही इसके स्वामी हैं। जैसे मान ले कि बच्चे के लिए एक गणित जो है वो कठिन हो सकता है, पर जब उसका टीचर उसको वो गणित आसानी से सरलता से बता देता है तो बच्चा समझ सकता है, हाँ ये तो टीचर कितना बड़ा चमत्कार है, उसको तो सब चीज़ आता है, हर चीज़ जानता है। पर वो टीचर भी हर कुछ जानता नहीं, उससे ऊपर भी कुछ है जहाँ से वो सीखा है चीज़ों को। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ के इस संसार में हमारे अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत शक्तियाँ हैं या हम भी कुछ छोटे मोटे चमत्कार बता सकते हैं, पर यह पूर्ण रूप से हमारे अंदर नहीं है, ये सब कुछ पूर्ण रूप से भगवान के अंदर है, इसलिए ये सब भगवान से आ रहा है। इसलिए यहाँ इस शब्द का बहुत महत्व है कि योगेश्वर कृष्ण, मतलब ये सभी जो शक्तियाँ हैं वो कृष्ण में से आ रही हैं। और भगवान की यह शक्तियाँ जो है हमारे कल्पना से परे है, अकल्पनीय है,
वह पूर्ण रूप से उनमें मौजूद है। इसलिए विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि ब्रूही योगेश्वर है कृष्ण, कोई और नहीं। क्यों? शत प्रतिशत यह योग शक्तियां जो है कृष्ण के पास है, दूसरे के पास थोड़ी बहुत हो सकती है, अभिन्न अंग हो सकते हैं। तो यहां बताया गया है कि इवन ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा के पास भी पूर्ण योग शक्ति नहीं है, सबके अंदर कुछ मात्रा में होती है और पूर्ण मात्रा में केवल भगवान के पास है। तो कोई एक व्यक्ति अगर माना जाए कि उस व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूप से यह हो योग शक्ति या फिर ये शक्ति हो, तो ये 78% तक हो सकती है जो ब्रह्मा के अंदर है। 78% भगवान शिव को पूरी तरह से 75%, नारायण को 96%। इनका विश्लेषण किया गया है, वे काल्पनिक नहीं है, लेकिन कृष्ण के पास पूर्ण 100% ये योग शक्तियां हैं, यही कृष्ण है। इसीलिए यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, ब्रूही योगेश्वर कृष्ण। फिर दूसरी बात यहाँ कही गई, जब भी धर्म की सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है तो भगवान उसकी रक्षा करने आते। पहले तो भगवान ही धर्म और ये सब देते, सिद्धांत हमें देते हैं, और फिर इसकी सुरक्षा करने भी, जब इसका दुरुपयोग होता है तो इसकी रक्षा करने भी वह स्वयं आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में सभी प्रकार के कपटपूर्ण धर्म को अस्वीकार कर दिया गया है। अस्वीकार क्यों? क्योंकि धर्म का मतलब है कृष्ण, कृष्ण वर्णी, कृष्ण कहते हैं। भगवद्गीता के अंदर कहा गया है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो धर्म क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना ही ये सबसे बड़ा धर्म है, इसके अलावा बाकी सारे धर्म जो है वो व्यर्थ के धर्म है। तो वह धर्म साक्षात है, वह जो कुछ भी कहते हैं वही धर्म है। तो भगवान जो बता रहे हैं, जो हमें कहते हैं वह धर्म है। तो हमें भगवान के पास ले जाने के लिए जो भी मदद करता है उसे हम धर्म के रूप में मान सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद अपने लेक्चर में बता रहे हैं कि रामकृष्ण मिशन द्वारा कहा गया है कि यत माता तत् पतः, कोई भी अपना धर्म बना सकता है, पर यह गलत वाक्य है। कोई भी अपना धर्म नहीं बना सकता है, धर्म वही है जो भगवान द्वारा स्थापित किया गया है, उसे ही हमें धर्म मानना चाहिए। क्योंकि वे कह रहे हैं अन्य सभी धार्मिक पद्धतियों को छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आओ। अगर भगवान ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, तो यही हमारे लिए पूर्ण धर्म है, क्योंकि यही, इसी से हम लोग जो है वो अपनी भावना, कृष्ण भावनावृत में अग्रसर हो सकते हैं। एक अन्य स्थान पर भगवान पुष्टि करते हैं कि धर्म तु साक्षात प्रणीतम, धर्म का अर्थ है जो ईश्वर द्वारा दिया गया है। तो यहाँ भगवान स्वयं ही बता रहे हैं कि जो भगवान दे रहे हैं उसी को हमें धर्म मानना चाहिए। ईश्वर द्वारा दिया गया नियम भगवान कृष्ण है, पूर्ण वह जो भी नियम देते हैं वही धर्म है, और वे नियम देते हैं कि तुम मेरी प्रति समर्पित करो। तो भगवान स्वयं आप बता रहे हैं कि यही धर्म है तुम्हारा, कि तुमको बाकी सब चीज़ों को छोड़कर मेरी शरण में आना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहाँ प्रभुपाद दो वाक्य बताते हैं, धर्म बहुत सरल भी है, और वहीं दूसरे वाक्य में प्रभुपाद बताया कि धर्म जो है, धर्म का पालन करना ये कठिन भी है। क्यों? कृष्ण को आत्मसमर्पण करो और तुम धार्मिक हो जाओगे। अगर हम कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं, हमारे जीवन में कृष्ण के कहे गए वचनों को हम पालन करने का प्रयास करते हैं, तो ये जो है सरल हो जाता है। पर जब हम उनकी बातों पे यकीन नहीं करते, उनके लिए समर्पित नहीं करते, तो यह बहुत कठिन है हमारे लिए। वह कुत्ते को समर्पित करेगा, मतलब यह जो लेक्चर में बता रहे हैं वो, कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे है ना, किसी भी चीज़ को, किसी कुत्ते को समर्पित होगा, सुबह सुबह उसे टहलाने लेके जाएगा, उसे वो पॉटी करता है, उसके पीछे वहाँ खड़े रहता है, इतना बड़ा आदमी हो गया, मतलब इतने होने के बावजूद भी वो जो है वो एक कुत्ते को समर्पित है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को समर्पण नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो किसी न किसी की सेवा करेगा, क्योंकि जीव का स्वरूप है कि किसी की वो सेवा करे, नित्य दास होना है। तो अगर वो भगवान की सेवा नहीं करेगा, तो ऐसे ही किसी व्यक्ति की सेवा करेगा जो भगवान नहीं है।
इसलिए कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। इस कई जन्मों के बाद कोई वास्तविक बुद्धिमान हो जाता है, वह कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। तो जो भगवान को समर्पण करता है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसने कई योनियों में भ्रमण करते हुए उसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि भगवान की शरणागति ही सबसे सर्वोच्च है। तो इसीलिए वो कई जन्मों में भ्रमण करते हुए फिर बाद में भगवान को शरणागत करता है। तो हम सभी की यही अवस्था है कि हम कई जन्मों तक भ्रमण किए हैं और अब किसी वास्तविक प्रमाणिक गुरु द्वारा करुणावश हमको यह समझ में आ गया है कि कृष्ण की शरणागति ही सर्वोच्च है। और जो तो यहाँ पे भगवान जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणव्रज, ये जो शब्द कह रहे हैं इसमें यह अर्थ समझा जा सकता है कि हम तो बहुत पापी है, हमें ये चीज़ भगवान की शरणागति इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है क्योंकि हमने कई जन्मों से पाप किया हुआ है। पर भगवान जब ये कह रहे हैं और उनके भेजे गए जो उनके द्वारा भेजे गए जो शक्तिशाली जो गुरु होते हैं उनके द्वारा उनके माध्यम से हमको यह समझ में आता है कि कृष्ण को शरणागति की जाए और कैसे की जाए, वही हमको आके यहाँ बताते हैं। तो मैं आपको पापी जीवन से सभी प्रतिक्रियाओं से सुरक्षा दूंगा, ऐसा भगवान बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि हम भगवान की शरणागत जाने का प्रयास करते हैं तो ऐसे सारे पापों से हमें वो बचाते हैं। हम कोई गलत कार्य करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो उससे भी हमें वो सावचेत करके ऐसी चीज़ों से हमें वो बचाते हैं। पर अभी आजकल की दुनिया में हम देख सकते हैं कि कोई थोड़ा भी कोई अगर कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो अपने आप को ही सर्वोच्च मानने लगता है। वो बोलता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सर्वोच्च है और दूसरी चीज़ों को वो मानने का प्रयास नहीं कर सकता है। हाँ, हो सकता है कि आप में कुछ इतनी शक्ति है कि थोड़ी कुछ चीज़ों को आपने सक्सेस कर दिया है या फिर बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्वोच्च हैं। यहाँ पे इस श्लोक में इसीलिए कृष्ण को योगेश्वर कहा गया क्योंकि कृष्ण सर्वोच्च हैं, उससे अधीन है बाकी सब। तो कुछ बड़ा अद्भुत निर्माण कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा नहीं। तो सबसे हम लोग छोटे मोटे अपने आप में कह सकते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें हम कर सकते हैं, पर सभी कुछ अपने आप को सर्वोच्च मान लेना एक बहुत मूर्खता है। एक्चुअली हमारा स्वभाव है कि हम भगवान के सेवक बन सकते हैं, पर हम भगवान के सेवक की जगह हम अपने आप को ही भगवान या हम अपने आप को ही भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं। और हमें अगर वास्तव में भगवान का सेवक बनना है तो प्रक्रिया यह है कि आपको पहले सर्वश्रेष्ठ गुरु का चयन करना होगा, ऐसे गुरु का चयन करना होगा जो आपको कृष्ण के बारे में वास्तविकता से बता सके कि कृष्ण है कौन और उसे हमें किस तरह से भगवान की ओर ले जा सकते हैं। वह प्रामाणिक गुरु ही कर सकता है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है वास्तव में भगवान योगेश्वर कृष्ण है। अब यह सवाल है कि धार्मिक सिद्धांत योगिक शक्ति के स्वामी इतने लंबे समय तक इस धरती पर थे पर कुछ और अब जो है वो धरती से अपने धाम को वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भगवान ने यहाँ धर्म की स्थापना तो कर दी, अब ये धर्म किसके शरण में या फिर कैसे किस तरह से वो बना रहेगा। तो यहाँ उसका उत्तर भी प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अब वह अपने धाम को चले जाएंगे, फिर प्रश्न यह है कि शक्ति और धर्म सिद्धांत कैसे इसे सौंपा जाए, क्योंकि धर्म संस्थापनाएं धर्म के सिद्धांत को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान, तो जब भी धर्म का दुरुपयोग होता है तो भगवान आते हैं। तो अब यहाँ कलयुग है और कलयुग के अंदर सबको मालूम है कि धर्म का बहुत दुरुपयोग होने वाला है, तो ऐसे इसमें किस तरह से इसको बताया जाएगा। तो आप सबने देखा होगा कि भागवतम का एक चित्र बताया जाता है जहाँ भागवतम को एक रोशनी के रूप में बताया जाता है और नीचे जो है उसकी शरण ग्रहण कर रहे हैं। तो इसीलिए इस कलयुग के अंदर भगवान जाने के पूर्व भागवतम को यहाँ इस पर देकर गए हैं, क्योंकि अब यही जो है हमारे सिद्धांत, हम जो इन भागवतम के सिद्धांत को पढ़कर जो आगे के श्लोकों में बताया जाएगा कि इन्हीं भागवत के सिद्धांतों को इन्हीं भागवतों को पढ़कर हम जो है वो
इसको समझ सकते हैं और इसकी स्थापना भगवान ऑलरेडी इस भागवतम के रूप में कर चुके हैं, जिसको हमको पढ़ना है, समझना है। और इस प्रकार से भागवतम के बारे में, इस भागवतम के बारे में विशेषतः अगले अध्याय के अंदर विस्तृत में बताया जाएगा। तो इसी प्रकार से यह श्लोक यहीं पूर्ण होता है। तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेता हूँ कि अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पहले अध्याय के अंदर हमने क्या क्या देखा। तो हम देख सकते हैं कि यह प्रश्न जो है, पहले तो 6 प्रश्न मुनियों द्वारा पूछे गए, और पहले 3 श्लोक के अंदर, पहले श्लोक के अंदर भगवान को परम सत्य बताया गया है, दूसरे श्लोक के अंदर भागवतम को सर्वोच्च ग्रंथ के बारे में बताया गया कि यह सर्वोच्च ग्रंथ क्यों है, और उसके बाद में इसका कैसे लोग वो एकत्रित होकर वहाँ पर इस भागवतम को सुनने के लिए किस तरह से लालाई है, और कौन व्यक्ति इसको बोल सकता है। तो 4 से लेकर 8वें श्लोक के अंदर सुत गोस्वामी के बारे में बताया गया, उनके बारे में कहा, ग्लोरीज बताई गई है उनकी, के किस तरह से ये सारे ऋषिमण जो है वो एक जगह इकट्ठा होकर सुत गोस्वामी से सुनना चाहते हैं, और सुत गोस्वामी कौन है, और किस तरह से वो एक सही वक्ता के रूप में यहाँ पे बताया गया है कि जिनके पास से बार सारे ऋषि जो है वो सुनने योग्य होते हैं, उनके गुणों के बारे में बताया गया है। फिर 9 से लेकर 23वें श्लोक तक कुछ 6 प्रश्न बताए गए हैं, मुख्य 6 प्रश्न, जिसके अंदर सबसे पहला प्रश्न कलयुग के रिलेटेड है कि कलयुग के अंदर लोग इसको किस तरह आसानी से इसको समझ पाएंगे, क्योंकि कलयुग की दशा बताई गई है कि कितनी बुरी दशा है कलयुग में लोगों की, जिसकी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं होती समझने के लिए, तो किस तरह से इसे आसानी से समझ पाएंगे। इन फिर दूसरा प्रश्न, सभी शास्त्रों का क्या कहना है, किस एसेंस क्या है इन पूरे शास्त्रों का, और फिर भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ है इसके बारे में बताया गया है। फिर बाद में पुरुष अवतार के बारे में बताया गया है कि भगवान ने किस तरह से अलग अलग अवतारों का, और फिर लीला अवतार का, और फिर लास्ट में भगवान जब अब वापस चले जा रहे हैं तो हमें किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए उस बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट प्रश्न यह छोड़ के जा रहे हैं कि हमें किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब इसका जो उत्तर है वो आगे के अध्याय में, आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। हरे कृष्णा, आप में से किसी को कुछ प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। गोलोक धाम वृंदावन के बाद कौन से श्लोक में, कौन सी किताब में दिया हुआ है? ब्रह्म संहिता के बारे में भी, ब्रह्म संहिता आप पढ़ेंगे तो ब्रह्म संहिता के अंदर पूरा बहुत कुछ बताया गया, पूरे गोलोक धाम का वर्णन बताया गया। कौन से श्लोक में, कौन से अध्याय में? मैं श्लोक याद नहीं है मुझे, पर मैं आपको रेफरेंस लेकर बताऊंगा कि कौन से श्लोक में है। और मैं वो बोला था, क्या बोला, शिव जी के पास 75% शक्ति है, वो किस में दिया? प्रभुपाद ने अपने, मेरे एक्चुअली किसी श्लोक के अंदर पढ़ा नहीं है, पर प्रभुपाद ने अपने लेक्चर्स के अंदर, कई सारे लेक्चर्स में बताया गया है इसके ऊपर। प्रभु जी ज़्यादा कुछ बता पाएंगे, प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? इसके जीव और देवता दोनों 50 कला है, 50 गुण है, जीव में लिमिटेड है और देवता में ज़्यादा है। ब्रह्मा जी में 55 है, शिव जी में 58 और नारायण में 60 कला है, भगवान में 64 कला है। इसलिए 32 सिंधु के अंदर 64 कला का हमारा वर्णन किया गया है पार्ट 2 में। उसमें 64 कला है, कौन सी कौन सी है, पूरी पूरी जीव है। इसे बोलते हैं कृष्णा श्लोक नहीं है, लेकिन लिखा है तो वो चीज है, जो भी लिखा है, जो भी कहा है वो 100% शास्त्रों से आ रहा है। क्योंकि प्रभुपाद जब भी कुछ कोट करते हैं तो वो शास्त्र के रेफरेंस लेकर ही कोट करते हैं, और हम भी यही प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे गुरु द्वारा या शास्त्र द्वारा वर्णित है उसी को हमने बोलना चाहिए, उसके अलावा हमने दूसरा कुछ बोलना चाहिए। अगर हमारे गुरु ने हमें बताया तो वो शास्त्र में कहीं से रेफरेंस दिया होगा। और कोई प्रश्न? अनंतराज श्रीमद्भागवतम की जय।